को बोला जी क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही शानदार होने वाली है आज आपको रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बताया जाएगा जहाँ पे हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस आपको मिल सकता है एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिल सकता है रेनेटस वेलनेस कंपनी के जो फाउंडर हैं सोनाकर नायक जो जो बाय एंटरप्रेन्योर हैं और जो इनके साथ जो दो साइंटिस्ट हैं तीन साइंटिस्ट ने मिलके 6 साल रिसर्च करके

बहुत ही ग्रेट लीडर बहुत शानदार तरीके से काम कर रही हैं सुगंधी गुप्ता मैम दिल्ली से एक बार चलते हैं उनके पास सुगंधी गुप्ता मैम आपका वेलकम वेलकम है 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 स्वागत है, वंदन आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं आपका रॉकिंग रॉकिंग सर गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग हार्दिक और स्वागत है थैंक यू वेरी मच आने के लिए जी मैम आप स्टार्ट कर सकते हैं जी सर थैंक यू मैं सुगंधि गुप्ता दिल्ली से दिल्ली से मैं रिनेटर्स नोआ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ हमें नोआ ही क्यों करना चाहिए नोआ हेल्थ और और हैप्पीनेस हमें तीनों चीज पॉलेटफॉर्म पर मिलती है इसलिए हमें करना ही चाहिए दोस्तों नोआ एक बहुत ही चमत्कारी सबसे बढ़िया प्रोडक्ट और नहीं सिंगल प्रोडक्ट है दोस्तों ये नौ तरह के से बनी हुई प्रोडक्ट है जिसमें मैंगो स्टीम बहुत सारी मात्रा में बहुत सारी मतलब बीमारियों को दूर करती है ये मैंगो स्टीम और दूसरा है रूट तीसरा है साइबेरियन जिंसन चौथा है एल्डोबेरी पांचवा है सॉसचेरी और छठा है बले सात सातवा है रसबेरी आठवा है गेनोडर्मा और नवा है ये जितनी भी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं जैसे शुगर बी पी दम अथराइटिस वैसे कोई स्किन प्रॉब्लम होती है कैंसर किलर भी होती है वैसे लीवर खराब हो जाता है या किसी का किडनी खराब हो जाता है उन सब बीमारियों से हमें छह लाख से ज्यादा बीमारियों से हमें छुटकारा इसे मिलती है लेने से लाख से ज्यादा बीमारियों को ठीक करती है हमें बहुत अच्छा चमत्कारी और गुणकारी ये प्रोडक्ट है ये उनके लिए नहीं लेना चाहिए जो माँ बच्चों को भीट कराती है जिस बच्चे की उम्र तीन साल से कम है या जिनकी किडनिक डायलिसिस हो चुकी है उनके लिए नहीं है उनके लिए नहीं है जो गर्भवती स्त्री है उनको नहीं लेना चाहिए इसमें बहुत सारी ताकत होती है इसलिए उन सबको नहीं लेना चाहिए बहुत एनर्जी इसके अंदर होती है इसलिए नहीं लेना चाहिए बाकी सबके घर में होना चाहिए सबके लिए है हर किसी को लेना चाहिए बाकी आगे का आगे का जो भी मीटिंग है वो अनिल सर सर को मैं स्वागत करती हूँ आगे अनिल सर बताएंगे थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैम आने के लिए आपको बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप जो है आए हिम्मत किए और बहुत आसान है इस बिजनेस में काम करना हर कोई कर सकता है दोस्तों जो लोग भी करना चाहें एक दिल में जज्बा होना चाहिए एक एक्साइटमेंट होना चाहिए एक कमिटमेंट होना चाहिए आप उस कमिटमेंट से काम करेंगे तो आपको हंड्रेड परसेंट अचीवमेंट मिलेगा आप अचीव कर सकते हैं रियल में अचीव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ एक्स्ट्रा नहीं बतलाना है जो हम करते आए हैं वही बतलाना है जो हम रिकमेंड करते आए हैं दोस्तों आज तक हमने किया क्या है मार्केट गए घर है एक देखते हैं हम रिकमेंडेशन क्या होता है कैसे हम एक दूसरे को सलाह देते हैं सलाह देने में तो इंडिया के लोग बहुत माहिर हैं हम जैसे बचपन से ही सलाह देते हैं एक बच्चा पैदा होता है तो सलाह देते हैं इस बच्चे का जो है आप मुंडन यहाँ पंडित से कराइए यहाँ पे इसका जन्म पत्री बनाइए यहाँ पे इसका संस्कार ऐसे कीजिए तो लोग सलाह देते रहते हैं ये पंडित अच्छा है ये अच्छा है उसके बाद जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो उसका इस स्कूल में एडमिशन कराए इसमें अच्छा पढ़ाई होती है इस का रिकॉर्ड स्कूल का रिकॉर्ड अच्छा है तो ये स्कूल बहुत अच्छा है हम रिकमेंड करते रहते हैं अपने आसपास के पड़ोसियों को सबको रिकमेंड करते रहते हैं तो रिकमेंडेशन की आदत हमारी पड़ी हुई है जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके शादी के लिए रिकमेंडेशन आता है लोग सलाह देते रहते हैं यहाँ पे लड़की अच्छी है यहाँ पे अच्छा ख़ानदान है यहाँ पे सब कुछ अच्छा है आप शादी कर सकते हैं लड़का या लड़की का तो रिकमेंड लोग करते रहते हैं शादी होने के बाद जो है जॉब के लिए रिकमेंड करते हैं कि आपका बच्चा बड़ा हो गया कुछ काम नहीं करता है यहाँ पे अप्लाई करा दिए जॉब के लिए एप्लीकेशन निकला हुआ है ये जॉब के लिए वेकेंसी निकला हुआ है यहाँ इस फैक्ट्री में जगह खाली है यहाँ पे उसके लिए जगह मिल सकता है तो रिकमेंडेशन हम करते रहते हैं शादी ब्याह के लिए रिकमेंडेशन करते हैं यहाँ से परचेजिंग के लिए रिकोमेंड करते हैं दोस्तों तो रिकमेंडेशन जो है मरने के बाद तक ही लोग जो है आप जब इंसान गुजर जाता है तभी रिकमेंडेशन करते हैं यहाँ पे ऐसे इसके क्रियाक्रम कीजिए यहाँ पे जो है समाधि स्थल अच्छा है तो यहाँ पे अच्छा है तो वो अच्छा है तो बचपन से रिकोमेंडेशन करते आए हैं और रिकोमेंडेशन कौन नहीं करता आज जो है बड़े बड़े जो स्टार हैं सलमान खान हैं आमिर खान है अक्षय कुमार है अमिताभ बच्चन है सब लोग रिकमेंड करते हैं हर आदमी रिकमेंडेशन करता है हमें भी वही चीज करना है क्योंकि रिकमेंड तो करना है किसी के अब ठंडी का मौसम है किसी के पैर के जो एरी फट गई है तो कोई देख लिया अरे एरी आपकी फटी हुई है आप बोरो प्लस लगा लो बोरो नहीं लगाते, बोरो प्लस लगाओ आपकी एरी ठीक हो जाएगी बोरो प्लस लगाता है ठीक हो जाती है वो भी किसी का देखता है तो वो भी बोलता है, बोरो प्लस लगा लो तो बोरोप्लस लगा लेता है वो भी ठीक हो जाता है तो दोस्तों आपको कुछ मिला कुछ नहीं मिला लेकिन यही चीज तो अमिताभ बच्चन करता है अमिताभ बच्चन तो यही करता है एरी फट गई है कहीं भी दाग खाज चेहरे पे दाग है कहीं भी ठीक तो हो या ना हो के घर में पैसा आ जाता है तो ने अपनी, कीमत को समझा, अपनी पावर को समझा है अपनी कीमत लगाई है अपने आप को सस्ते में नहीं बेचा है अपनी कीमत लगाई है अपने रिकमेंडेशन के बदले में वर्थ लेता है वैल्यू लेता है वो जो है पैसा लेता है उसकी कीमत लेता है लेकिन हम हम अपनी कीमत नहीं लगाते अपने आप को सस्ते में भेजते हैं हम जानते नहीं कि हमारी कीमत क्या हमारे अंदर क्या शक्ति है यह हमें पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को जो है ना शक्ति का पता नहीं है क्योंकि उनके पास विल पावर नहीं है अपने आप को जानते नहीं है अपने आप को जाने ही नहीं आज तक आपने आज तक सुना होगा कि संगत संगत से गुण आत है संगत से गुण जात है आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने ये जो है सुना होगा कि संगत से गुण आता है संगत से गुण जाता है लेकिन जो है मैं आपको आज ऐसा चीज बतलाऊंगा कि संगत से कुछ नहीं होता दोस्तों होता है बहुत कुछ होता है संगत से भी बहुत कुछ होता है मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ नहीं होता लेकिन संगत से भी ज्यादा जो है जरूरी है आपकी सोच आपके थॉट आपके विचार आपका कमिटमेंट और आपकी नीयत संगत से भी ज्यादा जरूरी है आपकी सोच आपकी विचार आपके थॉट आपकी, आपकी नीयत ये चीज आप लोग नोट कर ले दोस्तों मैं ऐसे एग्जाम्पल से आप आपको बताना चाहता हूँ कि संगत का असर यदि होता तो जो है कैकई कह भी सुधर जाती क्योंकि वो तो राम राज में थी सारे लोग अच्छे थे और सब अच्छे संगत वाले थे सारे जो है कौशल्या का साथ था राम का साथ था भरत का साथ था इतने बड़े बड़े विद्वान आसपास में उसके थे इतने अच्छे संगति में थी लेकिन वो अपना नेचर नहीं छोड़ी अपनी नीयत नहीं छोड़ी अपना कमिटमेंट नहीं छोड़ी और उसने क्या कर डाला आप सबको पता ही है बतलाने की जरूरत नहीं है है ना तो जो है पूरे जो है पूरे सिस्टम को जो खुशियों में जहर रेल दिया राम का बनवास कर दिया राज कैंसिल करा दिया तो ये सब कैके ही कर पाई क्योंकि उसकी सोच उसके विचार उसकी नीयत उसकी कमिटमेंट जो है गड़बड़ थी सही नहीं थी और दूसरी तरफ चलते हैं रावण राज में रावण राक्षसों का राज, राक्षसों का लंका लंका में जो है सारे बुरे थे सारे राक्षस थे सारे जो है मदिरा पान करने वाले थे और उसी बीच में विभीषण जो है वैसे ही रहता था जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है सारे लोग गलत थे फिर भी उसकी सोच उसकी कमिटमेंट उसकी थॉट उसके विचार उसका जो है सोच जो है अच्छा था उसकी नीयत अच्छी थी और वो उस बीच में भी सारे बुरे लोगों के बीच में एक अच्छा बना रहा एक अच्छी सोच, अच्छी सोच संगत अच्छी नीयत के साथ काम करता रहा अच्छे सलाह देता रहा अपने जान की परवाह नहीं किया अपने जो है इज्जत मान सम्मान के भी परवाह नहीं किया उसने हमेशा सच बोला सच बोला सच बोला और हमेशा अच्छा सलाह देते रहा रवन को लेकिन उसको नहीं सुहाया उसको अपने राज से ही निकाल दिया तो दोस्तों ये आपने दो एग्जाम्पल देखा कि अच्छी अच्छे संगत में रह के भी कह कहीं नहीं बदल पाई और बुरे संगत में रह के विभीषण अपने नेचर को चेंज नहीं कर पाया वो जो है वही किया जो उसकी नियत थी उसकी सोच थी उसकी संगत थी उस संगत का असर नहीं हो पाया उसके जो विचार थे जो उसके जो संस्कार थे जो मिले हुए थे उसके अंदर जो अपनी सोच को पाल रखा था एक थॉट को पाल रखा था तो इसीलिए किसी ने कहा है पहले जो है आपके अंदर जो है थॉट विचार से जो है आपके शब्द बनते हैं शब्द जब आप जो बोलते हैं उसके बाद जो उस पर एक्शन करते हैं एक्शन करते हैं तो धीरे धीरे वो आदत बन जाती है आदत बनने से जो है फिर आपका वो करेक्टर बन जाता है करेक्टर बनता है तो फिर आपका अचीवमेंट होता है अचीवमेंट वही गंतव्य डेस्टिनेशन बन जाता है दोस्तों तो सबसे पहला जरूरी है थॉट थॉट अच्छी होनी चाहिए थॉट अच्छा होना चाहिए अच्छा सोच होनी चाहिए अच्छे सोच के अनुसार यदि आप काम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है अच्छी नियत के अनुसार यदि काम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है हंड्रेड परसेंट सफलता मिलती है इसमें कोई रोक नहीं सकता तो एक अच्छी सोच के अनुसार काम कीजिए क्योंकि एक कंपनी जो है रेनेटस एक कंपनी नहीं है दोस्तों एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये बहुत बड़ा मिशन है एक मिशन पे कंपनी काम कर रही है जो हमारे फाउंडर है कंपनी के वो एक मिशन पे काम कर रहे हैं और मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं एक मिशन है कि इस देश को बीमारी और बेरोजगारी से मुक्त करना है ये बहुत बड़ी सोच है दोस्तों बहुत बड़ी सोच आज तक सत्तर साल से जब से हमारा देश आजाद हुआ सारे पॉलिटिकल पार्टी पार्टी सारे नेता सारे जो लोग जो है सोशल वर्कर जो सामाजिक कार्य करते हैं लोग सबकी यही सोच है इस देश को बीमारी और बेरोजगारी से मुक्त करना ये सबसे बड़ा सोशल वर्क है सबसे बड़ा सामाजिक कार्य है बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है मैं सोशल वर्क करता हूँ करता हूँ मैं सामाजिक कार्य करता हूँ लोग आई एम ए सामाजिक कार्यकर्ता दोस्तों सबसे बड़ा सामाजिक कार्य क्या है सबसे बड़ा सोशल वर्क क्या है सबसे बड़ा सोशल वर्क है इस देश से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना हर घर से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना हर घर में बीमारी है हर घर में बेरोजगारी है ये कैसे खत्म होगी कैसे खत्म होगी दोस्तों एक बार आप बीमार हो गए डॉक्टरों का चक्कर पड़ गया एक बार हॉस्पिटल के चक्कर पड़ गए तो आप कितना भी अर्निंग करेंगे कितना भी पैसे कमाएंगे सारे बर्बाद हो जाएंगे सारे हॉस्पिटल में लग जाते हैं सब कुछ आपका खर्च हो जाता है बचता कुछ नहीं है जो बीमार है वो तो झेलता ही है उसके साथ उसके उसके घर परिवार उसके बच्चे रात रात भर हॉस्पिटल में जग 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 के काम करते हैं जग जग के उनकी दुआएं करते हैं एक एक रुपये इकट्ठा करके हॉस्पिटल का बिल भरते हैं डॉक्टर का फीस देते हैं और कोई भी आपका जो है कहते हैं इंसानियत कहाँ मर जाती है इंसानियत कोई भी डॉक्टर आपके माँ बाप भाई बहन बीमार है उसका ऑपरेशन करना है तो जो है लोग मर जाते हैं तरफ तरफ के लेकिन जो है डॉक्टर या हॉस्पिटल वाले दया दृष्टि इंसानियत नहीं आती है उनको ऑपरेशन नहीं करते हैं उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं एक एक रुपये इकट्ठा करना पड़ता है घर वालों को ये तब समझ में आता है जब बीमार हो जाते हैं जब बीत जाती है दोस्तों यदि हम पहले से समझ ले थोड़ा सा समझ ले और थोड़ा सा खर्च कर लिए कोई खर्चा नहीं है जो चाय पीने में खर्च करते हैं पान पीने में जो गुटखा खाने में जो तंबाकू खाने में या सिगरेट पीने में लोग पैसे खर्च कर देते हैं वही पैसे यदि आप अपनी सेहत पे खर्च कर दिए तो आपको सब कुछ मिल सकता है आप कभी बीमार होंगे ही नहीं दोस्तों देखिए एक्सीडेंट को तो कुछ नहीं कर सकता कह सकते, कर सकते हम जो, जो एक्सीडेंट है या कुछ भी आपको ऐसा कुछ हो गया आपके जीवन में उसको तो हम कुछ नहीं रोक नहीं सकते लेकिन जो बीमारियां हैं जो आज के लाइफस्टाइल डिजीज बन चुका है आज लाइफस्टाइल डिजीज बहुत सारे लोगों को हो रखा है और लाइफस्टाइल डिजीज से लगभग 60 से 70 परसेंट लोग परेशान हैं और 60 से 70 परसेंट लोग जो परेशान हैं इनकी कमाई का जो है फिफ्टी से सिक्सटी पैसा जो है बीमारियों में जाता है बीमारियों से बचने के लिए बीमारियों के इलाज में दवा में डॉक्टर के फी में हॉस्पिटल के फी में जाता है जो समय है जिंदगी का जो है फिफ्टी परसेंट समय जो है हॉस्पिटल डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते लोगों को लग जाता है तो ये कैसे सम, इसको कैसे रोका जा सकता है दोस्तों कैसे रोका जा सकता है अपनी जीवन शैली को सही करके अपने लाइफ स्टाइल को सही करके आप स्वस्थ हो सकते हैं आप बीमारियों से बच सकते हैं ये बहुत आसान है इसके लिए जो है आपको जो है क्या करना है सुबह सुबह पहला एक नियम बना लीजिए लिए अर्ली मॉर्निंग जगना है सुबह सुबह जगना है सुबह पांच बजे छह बजे के पहले सूर्योदय के पहले जग जाना है जगने के बाद आप फ्रेश होके हल्का गुनगुना पानी पीजिए आप जगने के बाद तुरंत भी आप गुनगुना पानी पी सकते हैं फ्रेश होने के बाद जो है गुनगुना पानी में रेनेटसनोवा आप ले लें दो गोली शीशे के गिलास लीजिए उसमें दो गोली जो है रेनेटस नोवा डालिए रेनेटस नोवा क्यों क्यों डालना है? बाकी बाकी कुछ और क्यों नहीं? मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन रेनेटस नोवा ही क्यों दोस्तों तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था रेनेटस नोवा नहीं है ये तीन साइंटिस्ट का छह साल रिसर्च किया हुआ एक अद्भुत जड़ी बूटियों से बना हुआ अमृत है संजीवनी जड़ी बूटी है जो आपको कंप्लीट हेल्थ देता है इसलिए हेल्थ देता है कि इसमें नौ तरह के जो है इंग्रेडिएंट जो फल फ्रूट मिलाए गए हैं आप जो है सुबह उठ के जो है काजू किशमिश मूंगफली ड्राई फ्रूट सेब संतरा केला अनार पपीता चुकंदर अमरूद या और दस तरह के फल फ्रूट खाते हैं दस तरह के ड्राई फ्रूट खाते हैं जो विटामिन मिनरल एमिनो एसिड न्यूट्रिशन मिलता है उससे ज्यादा आपको नेचुरल ऑर्गेनिक हर्बल सुपर फूड आपको नोवा में मिला हुआ है दोस्तों ये सुपर फूड को आप जो है लीजिए डेली दो गोली आप लीजिए डेली और उसके बाद एक घंटे के बाद जो है कोई मीठा फल तीन सौ ग्राम तीन सौ ग्राम मात्र जो है आप तीन सौ ग्राम का एक समोसा होता है बड़ा साइज का समोसा हो तो आप जो है एक समोसा होता है लोग चाय खाते हैं बिस्किट खा जाते हैं चाय बिस्किट मिला के ग्राम लोग हो जाता है उतना ही आप जो है तीन सौ ग्राम एक मीठा फल लेते हैं एक सेव ले लीजिए दो सेव ले लीजिए एक सेव गाजर ले लीजिए एक सेव एक खीरा ले लीजिए एक पपीता छोटा सा ले लीजिए घर में तीन चार लोग हैं सबको खिलाई है, पपीता खिलाई एक पपीता लाइए ला आप सोचे पपीता मार्केट में जो है आधा किलो एक किलो का अ, आता है एक किलो का जनरली पपीता आता है तो आप तीन सौ ग्राम उसमें से खाएंगे फिर काट के रख नहीं सकते तो घर में जो भी सदस्य यदि तीन लोग हैं चार लोग हैं तीन तीन सौ ग्राम खिलाई एक के का पपीता आप ले, लेते हैं तो और बहुत सस्ता है जो पपीता जो है बहुत सस्ता है सस्ता, जो भी आपका सीजनल फल जो सस्ता हो जो मीठा फल है याद रखिएगा मीठा फल आपको लेना है खट्टा फल नहीं लेना है दोस्तों खट्टा फल आप खाने के बाद उसमें सेट्रिक एसिड होता है तो खट्टा फल जो खाने के बाद लेते हैं तो आपको हेल्थ के लिए बढ़िया है लेकिन खाली पेट लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज और जो है जॉइंट पेन को बढ़ावा देता है जॉइंट पेन बढ़ सकता है कॉन्स्टिपेशन कब्ज एसिडिटी बढ़ सकता है आपके शरीर में तो इससे यदि आपको बचना है तो आपको मीठा फल लेना है इसीलिए जो है डॉक्टर जो है जो लोग हैं मालूम नहीं है आधा अधूरा नॉलेज जो है हमेशा नुकसान करता है फल खाने की हम बात करते

आप 10 15 20 मिनट के बाद आप जो है खाना खा सकते हैं खाने में जो है तीन चीज़ अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर होगा चावल और जो है बैंगन की सब्जी और सीताफल और अचार और खट्टी चीज़ें ये चार चीज़ अब ऑयड करें तो बहुत अच्छा है बहुत सारे लोग हैं कि नहीं हम कुछ भी हो जाए चावल को तो छोड़ ही नहीं सकते यदि आप चावल नहीं छोड़ सकते तो दो एटलीस्ट दो घंटे बाद लीजिए रेनेटस नोवा लेने के दो घंटे के बाद जो है आप चावल लें यदि आप नहीं छोड़ सकते तो यदि छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं छोड़ सकते तो आप दो घंटे बाद ले सकते हैं और जो जो कॉन्स्टिपेशन जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है कब्ज है बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी रहती है बहुत जगह दवाई करा लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिए लेकिन ठीक नहीं हुए तो ऐसे लोगों को जो है वाइट जो है आटा जो सफेद आटा है उसका भी त्याग करना चाहिए उसके लिए उसके जगह पे मल्टीग्रेन आटा जो है का इस्तेमाल करना चाहिए मल्टीग्रेन आटा लीजिए आपको तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा मल्टीग्रेन आटा जो है आपको लेना चाहिए मल्टीग्रेन आटा से आपके पेट के लिए आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है जो कॉन्स्टिपेशन कब्ज एसिडिटी पैदा नहीं करता तो ये चीजों पर फोकस करना है मल्टीग्रेन आटा आप लीजिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा जो लोग हैं लेकिन जो लोग कॉन्स्टिपेशन की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो गेहूँ की आटा रोटी भी ले सकते हैं अब उसके बाद पांच जो सफेद चीजें हैं जो व्हाइट फाइव व्हाइट पॉइजन मैं बतलाता हूँ हमेशा फाइव व्हाइट पॉइजन है पांच जो है जहर है सफेद जहर है उसका जो है त्याग करें सफेद नमक न लें सफेद नमक के जगह चीनी लें सब, सफेद नमक की जगह काला नमक सेना नमक आप मिक्स करके आप यूज करें हर चीज में बनाए खाना उसमें यूज करें बहुत टेस्टी लगता है हमारे घर में बिल्कुल सफेद नमक आता ही नहीं है दोस्तों ये नेचुरल नमक है नेचुरल चीजें हैं जो आपको जो है सफेद नमक बहुत ब्लड प्रेशर को क्रिएट करता है आंतों में जो है विटामिन मिनरल का अवशोषण नहीं होने देता और जो है इससे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ते ही आपका जो है हार्ट का लीवर का किडनी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है दोस्तों तो ये कभी भी इस्तेमाल ना करें इसके जगह काला नमक सेंधा नमक मिक्स करके ले खाने में डालें और बाकी मतलब के घर में सफेद नमक आना ही नहीं चाहिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बहुत सारे लोगों को जो है आयोडीन की बात करते हैं घेगा बीमारी हो जाती है तो आज मार्केट में निकल के देखिए कितने लोगों को घेघा बीमारी है किसी को है मुझे तो कोई नहीं मिलता लेकिन हर घर छोड़ के एक घर दो घर छोड़ के आपको ब्लड प्रेशर का पेशेंट मिल जाएगा हार्ट का लीवर का किडनी का पेशेंट मिल जाएगा कॉन्स्टिपेशन कब्ज का पेशेंट मिल जाएगा जिनके न्यूट्रिशन की कमी है जो कुपोषण के लोग शिकार है वो मिल जाएंगे तो ये सब आपको जो है आयोडीन नमक जो जो सफेद नमक है उसके वजह से होता है आयोडीन जो काला नमक सिन्हा नमक है उसमें भी होता है और बहुत सारी चीजें जो हम खाते हैं फल फ्रूट खाएंगे उसमें भी आयोडीन पाया जाता है दोस्तों तो आयोडीन की चिंता ना करें आप जो है सारा न्यूट्रिशन सब कुछ जो है आपको काला नमक से नमक में आप इसका इस्तेमाल करें उसके बाद है सफेद चीनी सफेद चीनी जो है आप बिल्कुल ना लें उसके जगह आप जो है गुड़ खांड मिश्री बड़ी वाली मिश्री आप जो लें इसका इस्तेमाल करें दोनों चीज़ गन्ने से ही बनती है आपको बोलेंगे कि गन्ने से ही तो चीनी बनती है गन्ने से ही गुड़ बनता है लेकिन जो आप प्रोसेस है दोनों को बनाने का जो प्रोसेस है कितना प्रोसेस से गुजर के रिफाइन कर करके उसमें जो है डिटर्जेंट पाउडर डाल के बहुत सारा केमिकल का इस्तेमाल करके चीनी बनता है दोस्तों लेकिन जो है आप गुड़ जो बनता है बिल्कुल गन्ने का रस निकाल के डायरेक्ट गुड़ बनता है उसमें कोई तरह का केमिकल नहीं डाला जाता है ज्यादा ज्यादा जो है उसमें सोडा डाला जाता है साफ करने के लिए खाने वाला सोडा आपने सुना होगा एक तो सोडा होता है कपड़े धोने वाला एक खाने वाला सोडा होता है तो खाने वाला सोडा डाला जाता है कि और गुड़ को साफ करने आज आपको सफेद मतलब गोरा साफ सुथरा गुड़ मिलेगा मार्केट में एक पहले पहले काला काला गुड़ आता था आज भी बहुत कम आता है तो जो है जो से एक सफेद गुर है और एक जो है काला गुर है उसमें यही फर्क है बिल्कुल गने से ही बना है लेकिन उसमें जो है जो खाने वाला सोडा डाला गया है इसलिए वो सफेद हो गया है तो ज्यादा उसमें कोई भी नुकसान नहीं है आप जो है सोडा लोग खाते भी है सोडा लोग पीते भी है तो सोडा जो है खाने वाला होता है उसमें कोई नुकसान नहीं है तो आप जो है चीनी का त्याग कर दें सफेद नमक का त्याग करे सफेद चीनी का त्याग करे सफेद मैदा जितनी भी सफेद चीजें हैं उतना गुणकारी नहीं होती है तो जितनी भी सफेद चीजें चीजें की जगह जो है जो चीज़ें रंग रूप में है सफ़ेद छोड़ के और किसी रूप में है जैसे खाने की कोई भी सब्जी है या कोई भी चीज़ है जो सफ़ेद है उसका त्याग करें सफ़ेद चीज़ जो है आप ना लें सफ़ेद चीज़ के जगह दूसरी कलर की जो चीज़ें जितनी कलरफुल जो है नेचर ने इतना कलर कलरफुल इतनी सब्जी फल फ्रूट कलर कलर का दिया ऐसे ऐसे कलर के जो फल फ्रूट दिए हैं तो जिस कलर का जो कलर थेरेपी भी मायने रखता है कलर थेरेपी का अलग साइंस है तो आपके बॉडी पे बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है और नेचुरली हील करता है आपकी बॉडी को तो कलर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस पे आप जो है ध्यान दे सकते हैं तो अलग-अलग कलर का अलग-अलग जो है कलर का फल फ्रूट सब्जियां डेली आप चेंज करके लें डेली आप नेचुरल चीजें नेचर पे फोकस करें नेचर हमारा सबसे बड़ा गुरु है नेचर जो है बहुत कुछ आपको दे सकता है नेचर के साथ यदि आप चलेंगे तो आपको हर अचीवमेंट हर चीज आपको मिलेगा तो नेचर के अनुसार जो है आप यूज करें चीजों को नेचर के अनुसार जो है आप डेली जो जो नेचुरल चीजें सीजनल चीजें हैं सीजनल फल फ्रूट है सीजनल जो सब्जियां मिल रही है वो सब का उपयोग करें वो सब आप यूज करें तो जो है सफेद चीजों का करना है सफेद दूध का त्याग करना है सफेद दूध जानते हैं सफेद दूध क्या होता है इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं सफेद दूध मतलब भैंस का दूध जो है सफेद होता है और किसी चीज सबसे ज्यादा जो दूध लोग इस्तेमाल करते हैं सफेद दूध भैंस का तो भैंस का दूध ना इस्तेमाल करें उसमें फैट जो है कोलेस्ट्रॉल होता है और फैट काफी मात्रा में होता है डाइजेस्ट नहीं होता बहुत ज्यादा ग्रोथ देता है बॉडी में आपको ग्रोथ देगा और आपका जो है फैट बढ़ेगा मोटापा बढ़ेगा वजन बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और जो है आपका जो है सांस की प्रॉब्लम होने लगेगी हार्ट का लीवर का और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकता है तो जो है कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है एसिडिटी बढ़ा सकता है ज्वाइंट पेन बढ़ा सकता है तो ये जो है शास्त्रों में जितने भी सुश्रुत संहिता चरक संहिता बागवत संहिता में हर जगह जो चर्चा है गाय का दूध लेना बहुत गाय का दूध अमृत है लेकिन उस गाय का दूध जो अपना चारा चरती है तो आज के डेट में आप सोचिए गाय का दूध ही मिलना जो देसी गाय है इंडियन जो देसी गाय है भारत की छोटे नस्ल की गाय है जिनकी हाइट बहुत कम होती है और आप देखे होंगे इंडिया की जो गाय होती है अलग अलग कलर की होती है रेड भी होती है ब्लैक भी होती है ब्लैक रेड मिक्स होती है है ना तो वाइट भी होती है तो अलग अलग कलर की गाय होती है जो देसी गाय होती है तो उसका दूध जो अपना चारा चरती है गाय उसका दूध लेने के लिए शास्त्रों में कहा गया है तो दूध तो मिलना ही नहीं है ना गाय मिलनी है जो ना वो चारा चरने वाली गाय का दूध मिलना है तो दूध का त्याग कर उसके जगह आप ड्राई फ्रूट फल फ्रूट सब्जी ये सब ले तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा सफेद नमक सफेद चीनी सफेद मैदा आपका त्याग करना है उसके जगह मल्टीग्रेन आटा का त्याग बनाना है उससे बनी हुई चीजें लेना है। मैदा मार्केट में जितनी चीजें बनती है वो सब मैदा और बेसन भी वही चीजें हैं बेसन मैदा का ही रूप है तो बेसन का मैदा का दोनों का चीजों का त्याग करें लेकिन दोनों में यदि सिलेक्शन करना हो तो बेसन की चीजें अच्छी होती है कम नुकसान करती है मैदा ज्यादा नुकसान करता है क्योंकि वो सफेद होता है बेसन सफेद नहीं होता दोस्तों तो जो है बेसन का भी कम इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा लेकिन मैदा का तो बिल्कुल त्याग कर दें और जो है रिफाइंड रिफाइंड दोस्तों इतना जबरदस्त नुकसान करता है आप सोच भी नहीं चाहे किसी भी कंपनी का कोई भी रिफाइंड हो रिफाइन ऑयल का प्रयोग बिल्कुल ना करें करेंड इतना ज्यादा नुकसान करता है लिखा रहता है आप बहुत सारी कंपनियां लिखती है जीरो परसेंट कोलेस्ट्रॉल दोस्तों जीरो परसेंट कोलेस्ट्रॉल देख के आप खुश हो जाते हैं कौन सा कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रोल तो कौन सा कोलेस्ट्रॉल जीरो ये आज तक आपने सोचा नहीं होगा उसमें क्या गुड कोलेस्ट्रॉल ही जीरो होता है जीरो परसेंट कोलेस्ट्रॉल तो है बिल्कुल कंपनी ने सही लिखा है लेकिन कौन सा कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल ही जीरो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल उसमें भरे पड़े हैं ट्राइग्लिसराइड बीडीएल एल उसमें भरा पड़ा है और गुड कोलेस्ट्रॉल ही उसमें जीरो है तो आप जो ले रहे हैं उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल ही नहीं है जो कि तेल में सबसे बढ़िया गुड कोलेस्ट्रॉल जो है घी में गाय के घी में गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है सरसों के जो है तेल में गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है नारियल के तेल में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है आप जो है तो तीसी का तेल में तिल के तेल में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है तो गुड कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी को चाहिए हमारे लीवर को चाहिए लीवर को हेल्दी बनाना है लीवर को जो है फैटी होने से बचाना है लीवर बचाना है तो आपको जो है गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए इसलिए जो है पहले लोग जो है खाना में घी का इस्तेमाल करते थे खाना बनेगा तो दाल में चावल में खाने में रोटी में लोग घी लगा के खाते थे गाय का घी तो, तो उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों तो घी लगाने की परंपरा है जो बहुत सदियों से चली आ रही है आपने सुना होगा कि सूखी रोटी खिला दिया घी तो भी नहीं लगाया तो घी एक परंपरा है हमारी सभ्यता संस्कृति में बताया गया है कोई भी मेहमान आता तो उसमें घी लगा के खिलाया जाता है सूखी रोटी नहीं खिलाया जाता है तो इसीलिए है कि इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों तो गुड कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करें गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए आप जो है सरसों का तेल सबसे बढ़िया है आप तिल का तेल नारियल का तेल तीसी का तेल या गाय का देसी घी गाय का घी मिले तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये जो है आप रिफाइन का बिल्कुल त्याग कर दें सफ़ेद नमक सफेद चीनी का सफेद मैदा और रिफाइन और दूध दूध ये पांच चीजें हैं और पांच चीजों से बना हुआ जो चीज है उसका त्याग करना है फाइव जो है बैड एलिमेंट है फाइव जो है है, और इनसे बना हुआ चीज़ में जितनी सारी चीज़ें मिलती है तो वो सारी ये पांचों चीजों से ही बनती है कोई भी चीज आप बर्गर पिज्जा जंक फूड कुछ भी लेते हैं तो उसमें सफेद नमक डाला होगा सफेद चीनी डाला होगा सफेद मैदा डाला होगा सफेद रिफाइन डाला होगा और कुछ चीजें जो आप मिठाई वो लेते हैं उसमें सफेद दूध डाला होगा तो ये सब चीजें का त्याग करें और बहुत सारे लोग ना आपको बोलेंगे इमोशनली ऐसे ब्लैकमेल करते हैं लोग पता नहीं मतलब क्या सोचते हैं क्या सोच के वो जो है आते हैं जब हम किसी को बतलाते हैं मैं एज ए नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट करता हूँ एकचुरोपैथी मैं रैकी मास्टर मैं मैं तो जो है मैं ट्रीटमेंट करता हूँ लोगों से बातें करता हूँ तो वो ऐसा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं सर सुबह छः बजे निकल जाते हैं रात को दस बजे आते हैं भूख लग जाती है खाए भी नहीं मर जाए क्या अरे यार मैं कब बोला खाए भी नहीं मर जाओ तुम मैं कब बोला भाई तू भूखे रह मैं तो कभी नहीं बोला मैं ये कहता हूँ कि ये पाँच चीजों का त्याग कर दो ये पांच चीजें मत खाओ मतलब कुछ आ रहे हैं रास्ते में भूख लग रही क्या करें कुछ नहीं मिल रहा खाने को कहा नहीं मिल रहा भाई कहाँ दुनिया का मैं लगभग इंडिया के काश जम्मू कश्मीर में जा चुका हूँ शिलोंग जा चुका हूँ मैं वेस्ट कलकत्ता जा चुका हूँ मैं हैदराबाद चेन्नई जा चुका हूँ मैं बिहार यूपी हर जगह जा चुका हूँ कहाँ नेचुरल चीजें आपको नहीं मिलती है बताएं कोई ऐसा धरती पे जगह नहीं है जहां नेचुरल चीजें नहीं मिलती है दोस्तों आपके घर पे जो है हर चीज मिलता है आप फल फ्रूट तो हर जगह ठेला लगा कर लोग बेचते रहते हैं हर जगह आपको फल मिलेगा केला मिलेगा सेव मिलेगा हर चीज फल मिलता रहेगा ड्राई फ्रूट आप बैग में रखें ड्राई फ्रूट जो मिक्सचर नमकीन बिस्किट आप रख सकते हैं ड्राई फ्रूट नहीं रख सकते ड्राई फ्रूट रखिए एक गाजर सब जो सीजनल चीजें हैं गाजर इतना सस्ता है आज अभी जो मौसम चल रहा है गाजर बीस रुपए के जी है तीस रुपए के जी है आपको अच्छा गाजर मिल जाएगा बीस तीस रुपए के जी आप सब्जी खरीदने जाइए तो साठ रुपए सब्जी है फल फ्रूट जो है थोड़ा मान लीजिए सौ रुपए सेव है तो जो गरीब लोग हैं बोले हम सेव डेली नहीं खा सकते अरे मत खाइए हम कहाँ कर रहे हैं कि सेव ही खाइए आप गाजर खाइए ना जी गरीबों का सेव तो गाजर ही है जिनके पास पैसा नहीं गाजर है गाजर खाएं खीरा अभी सस्ता हो जाएगा मार्च अप्रैल से खीरा सस्ता हो जाता है बीस रुपये के जी आ जाता है तो खीरा खा सकते हैं तो जो है आप उसका इस्तेमाल करें नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें आप स्वस्थ रहेंगे आप बीमारी से मुक्त हो गए ना बीमारी से बच गए ना तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बहुत बड़ा अचीवमेंट आप अपने परिवार बच्चों के लिए कर पाएंगे आपने जो है अपने घर परिवार के लिए बहुत बड़ा योगदान देके जाएंगे क्योंकि लोग लोगों की कमाई का आने वाले समय में और ज्यादा क्रुशियल टाइम होने वाला है कि आपके जिंदगी का हर आदमी के जिंदगी की कमाई का जो है आधा पैसा जो है बीमारियों में बीमारी से बचने में निकल जाता है तो आपके हाथ में आप बहुत लकी हैं, खुशकिस्मत हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है दोस्तों जो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी इतना अच्छा मौका मिला है कि आप जो है स्वस्थ रह सकते हैं अपने घर परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं अपने बीवी बच्चे अपने आस के लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और केवल आपको रिकमेंडेशन तो करना है लोगों को रिकमेंड करना है कि आप ये चीज लें रेनेटस जो अमृत है धरती का अमृत है जहाँ पे आपको सब चीज आपको मिल सकता है एक ही प्रोडक्ट में आपको सारा कुछ मिल सकता है इसमें सारे तरह का विटामिन मिनरल एमिनो एसिड एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रिशन पूरा भरमार है यहां तक कि इसमें मैंगो है जो कैंसर किलर है आज के डेट में सबसे बड़ा जो है बीमारी हो रही है कैंसर कैंसर से बचने के लिए कुछ भी नहीं है आज जो इंडिया में मैंगोस्टिन पाया ही नहीं जाता है इंडोनेशिया थाईलैंड मलेशिया में पाया जाता है दोस्तों अब फलों की महारानी बोला जाता है फलों की रानी बोला जाता है मैंगोस्टिन को जो जिंथन होते हैं पूरी दुनिया में पचपन तरह के जिंथन आज तक पाए गए हैं जिसमें फोर्टी थ्री तरह का जिंथन केवल मैंगोस्टिन में पाया जाता है दोस्तों ये कैंसर आपको कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता आप जो है बिल्कुल आप किसी को दे दे फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का कैंसर है तो वो ठीक भी हो जाता है क्योर करने की क्षमता है मैंगो स्ट्रीन में वो चीज है हमारे जो है में दोस्तों तो इतना बड़ा धरती का अमृत है उसका इस्तेमाल करें सुबह शाम आप दो गोली नहीं ले सकते तो एक एक गोली तो ले एक एक गोली भी नहीं ले सकते तो एक गोली तो ले लेकिन ले, ले जरूर डेली आपको खाना जरूरी है नहाना जरूरी है सोना जरूरी है तो रेनेटस नोवा भी लेना जरूरी है एक एक गोली रेनेटस नोवा ले अमृत है धरती का जो है संजीवनी जड़ी बूटी है तो आपका इस्तेमाल इसका करें आज के डेट में संजीवनी जड़ी बूटी तो उस, उस समय भी मिलना बर, बहुत मुश्किल था बड़ी मुश्किल से मिला था लेकिन जो है आज के डेट में संजीवनी जड़ी बूटी बहुत आसान हो गया आपको नोवा के द्वारा मिल चुका है आप इसका इस्तेमाल करें ऐसे ऐसे बीमारियों में काम करता है जो कंपनी भी नहीं सोची होगी कंपनी भी कभी साइड पे नहीं लिखी जहाँ पे आपको कहीं भी सोशल मीडिया पे आपको यूट्यूब गूगल पे आपको नहीं मिलेगा कि ऐसे ऐसे जो है आपके बीमारियों को ठीक कर देता है हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक कर देता है दोस्तों हार्मोनल डिसबैलेंस जो हो गया लोग बतलाते हैं कि ये जन्म से होता है डी से होता है बड़े बड़े डॉक्टर इसमें बोलते हैं कि एक बार हार्मोनल डिसबैलेंस आपके शरीर में है तो वो ठीक नहीं हो सकता हार्मोनल डिसबैलेंस से डायबिटीज की बीमारी होती है आपको थायराइड की बीमारी होती है इनफर्टिलिटी की बीमारी होती है स्किन की प्रॉब्लम होती है तो ये सब बीमारियां जो हार्मोनल डिसबैलेंस से होती है वो सारी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है दोस्तों ये रेनेटसनोवा तो इतना जबरदस्त है ये हमारा रेनेटसनोवा कि आप सोच भी नहीं सकते तो क्यों रिकमेंड कीजिए आपको पैसा भी आएगा केवल आप इस बिजनेस से जुड़ जाइए आप एसोसिएट बन जाइए पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक डिटेल नॉमिनी का नाम ईमेल आईडी दे के आप जुड़ जाइए कार्ड बना के कीजिए रिकोमेंड कीजिए आपको पैसा आएगा मात्र बाईस सौ लगाना है बाईस सौ लगा के आज के डेट में लोग यहाँ बाईस लाख रुपए भी महीने के कमा रहे हैं आज उनके ड्रीम पूरे उनके सपनों का घर खरीद रहे हैं लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं बंगला खरीद रहे हैं सारे ड्रीम को अचीव कर रहे हैं मतलब बाईस सौ पैंतीस रुपए में बाईस सौ पैंतीस में आपको रेनेटस नोवा जो एमआरपी का तीन हजार एक सौ रुपए का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है तीन हजार एक सौ रुपए का